बुआना के सहेड़ गांव से बड़ी खबर मिल रही है। सहेड़ गांव में बदमाशों ने ज्वेलर से 30 लाख की फिरौती मांग करने के बाद ज्वेलर्स पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से ज्वेलर्स राहुल सोनी घायल हो गया, जिसे सिंगाणा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सहेड़ गांव के ज्वेलर्स राहुल सोनी को दोपहर को गांव के ही किसी युवक का फोन आया। फोन पर धमकी देते हुए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने दुकान में घुसकर ज्वेलर्स राहुल सोनी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद बदमाश दुकान से सोने के आभूषण और नकदी ले गए। दोनों बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शुरुआती के जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाले युवक गांव के ही बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर बुआना डीएसपी गोपाल सिंह डाका के अलावा पचेरी कला बुआना सिंगाणा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई गई है। 1:30 के आसपास मेरे बेटे का फोन आया, मैं नालो था, कोई काम से गया हुआ था, कि पापा जी गोली मार दी किसी ने, आप जल्दी आ जाओ। कितने बजे घटना है? ये 1:30 के आसपास की। और फोन कब आया था बेटे का? हाँ। उसी समय तुरंत, बस उसके बाद ही जैसे तो गोली, किस बात को लेकर गोली मारी गई है वो सर को तो इतनी तो पता नहीं पाया। उसने कही कि पहले फोन आया था कि मेरे को 30 लाख रुपए दो नहीं तो गोली मार देगा। कितनी देर पहले फोन आया था? लगभग 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले लगभग, कोई पूरे नहीं पता, पर आधे घंटा मार लो मोटी सी बात। अब क्या हालात है? अब वो जयपुर रेफर कर रखा है। अब देखो है तो ठीक, भगवान के ठीक रहे, बाकी तो राम जाने। कौन थे कुछ पता है? गांव के लड़का है एक, तो एक लड़के को पहचान गए हैं। क्या नाम है? कुचले बोलते कोई सतबीर का लड़का है, प्रदीप है कोई शायद उसका नाम। दूसरा कहाँ का है ये पता नहीं चला। तो कोई दुकान से कोई सामान भी लेकर गए? हाँ, दुकान से सोने के दो डब्बे ले गए, 5,000 रुपए नकद ले गए और छोटे जो कुछ सामान रखा था वो ले गए। अच्छा।